हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल एट लोकेश लिमिटेड स्टडी जोन। आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। आई थिंक ये क्लास नंबर 3 या 4 होगी, याद नहीं है क्योंकि 2 दिन हो गए क्लास ना लिए हुए। ओके, तो लेक्चर 3 मान करके आज इसको कंटिन्यू करते हैं। आओ बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे कुछ ना कुछ। तो पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, है ना। क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है टेन इनवर्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो भाई इसको सॉल्व कैसे किया जाए? सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है उसको y मान लो। तो y इज इक्वल टू क्या है? टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो लॉजिकल क्या कहता है, लॉजिक क्या कहता है कि अगर बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर भी टेन लाना पड़ेगा, तभी टेन इनवर्स से टेन क्या होगा, एलिमिनेट हो पाएगा। तो अब देखो, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप बहुत घटने वाले हो, बहुत परेशान होने वाले हो। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो बच्चों कॉस एक्स का फॉर्मूला लिख दो हाफ एंगल में। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है फॉर्मूला कॉस एक्स का हाफ एंगल में। नहीं बनता है तो पढ़ो, ढूंढो, करो, समझ गया ना। वन को क्या लिख सकता हूँ, वन को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और माइनस साइन एक्स का हाफ एंगल फार्मूला होता है यार 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। हो गया। देखिए वन जो है वन को लिख दिया अपने कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो हाफ एंगल की फॉर्म में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा, 1। और माइनस साइन एक्स का हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब फिर से फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की स्ट्रक्चर बन रही है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी बेटा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। क्लियर हुआ। और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोले तो cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, ये कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 एक बार है, ये दो बार है, तो एक एक बार कैंसिल कर दो। कर दिया ना भैया कैंसिल। सो वाई इज इक्वल टू क्या बचा यार, टेन इनवर्स, यहाँ क्या बच जाएगा ऊपर, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। बोलो बच्चों, यस टेन इनवर्स। अब क्या किया जाए, अब ये 11th क्लास में एक स्ट्रक्चर आती थी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसका तरीका होता था कि कॉस एक्स बाई 2 का ऊपर नीचे डिवाइड करो, पूरे में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई 2 का डिवाइड करो। चलो मैं अलग से कर देता हूँ। तो ऊपर बना है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, तो होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2। और नीचे है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2। आप पूछेंगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो रहा है, तो ले देगा तो वही बच रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया ना? चलो अब इसको क्या करो, ब्रेक कर दो यार। कैसे ब्रेक करोगे? कॉस के नीचे कॉस जाएगा तो 1 बचेगा, और साइन के नीचे कॉस जाएगा तो क्या बचेगा, 10। ऐसे कॉस के नीचे कॉस जाएगा तो 1 बचेगा, और साइन के नीचे कॉस जाएगा तो क्या बचेगा, 10। तो ले देगा बचा क्या, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस के नीचे कॉस यानी कि 1, और साइन के नीचे कॉस यानी कि प्लस 10x/2, और नीचे 1 माइनस 10x/2। समझ में आएगी नहीं है? 1 प्लस 10x/2 और 1 माइनस 10x/2। क्लियर हो गया। सो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब इसको एडजस्ट करो। कैसे एडजस्ट करोगे? 1 प्लस 10x/2 को, 1 को क्या मैं 10π/4 लिख सकता हूँ? कन्फ्यूज हो रहे तो 45 ले लो, अपन डिग्री वाले हैं। 10 45 प्लस 10x/2 अपॉन 1 माइनस, बेटा यहाँ कुछ भी नहीं है इसके बगल में, मैथ्स में जिसके बगल में कुछ नहीं होता 1 होता है। तो 1 को लिख सकता हूँ 10 45, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 10x/2। अब बेटा ध्यान से देखो, ये तो फार्मूला बन गया 10a+10b अपॉन 1 माइनस 10a × 10b का। क्या होता है फार्मूला 10a+b, क्या होता है 10a+b। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स 10 ऑफ a+b, a क्या है 45, b क्या है x/2। 10 इनवर्स से 10 क्या हो गया, कैंसिल, एलिमिनेट हो गया,
केवल क्या बच गया आंसर, आंसर आ गया वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस एक्स बाई टू, या वाई इज इक्वल टू डिग्री को रेडियन में लो तो हम जाएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। बच्चों यही आंसर है, कोई दिक्कत? चलिए बात करते हैं भाई, जो वन यूज वन बनाया अपन ने वो कैसे बनाया। वन अपन जानते हैं कि मैथ्स में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है फॉर एवरी एंगल एक्स, चाहे एक्स का कोई भी एंगल हो। तो अपन वन को पलट करके लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बोलो यस भाई, जब एक्स एंगल के लिए वैलिड है तो एक्स बाई टू ही तो एक एंगल ही है। बात ये है ना, कंसर्न ये कि दोनों एंगल सेम होने चाहिए, फिर चाहे कोई भी एंगल हो। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये भी तो वन ही आएगा ना, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। मेनली क्या, दोनों एंगल सेम होना चाहिए और दोनों का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू स्क्वायर एक्स बाई टू का सम कितना आएगा, वन आएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर सिक्स की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर सिक्स जो दे रहा है वो है कॉट इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। यस ये है वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वाई ले लो। अभी सब्स्टिट्यूशन से होगा, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन में आप क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू सेक थीटा। कभी भी आपको स्ट्रक्चर अगर कभी भी दिख जाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, समझ गए ना, अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हो तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, सेक थीटा। क्या पुट करना पड़ेगा, सेक थीटा। चलिए पुट करते हैं, या एक तरीका इसको और है, इसमें एक और फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कॉट इनवर्स वन अपॉन एक्स इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स को आप टेन में पहले बदल लो, तो वाई इज इक्वल टू ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, और एंगल क्या है इसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। कॉट इनवर्स वन अपॉन एंगल इक्वल टू टेन इनवर्स एंगल, भाई पढ़ाया था ना कल, और तो टेन में आ गया डायरेक्टली फॉर्मूला। अब आप डायरेक्टली देखिए यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो है ना, क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू सेक थीटा। तो एक्स इक्वल टू सेक थीटा पुट करिए, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स की सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, वन। यस और नो, अब टेंथ क्लास में आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए यस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है बेटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का अंडर रूट क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो कुल मिला करके वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का अंडर रूट क्या आएगा, टेन थीटा। बोलिए यस और नो, टेन वर्स टेन एलिमिनेट हो गया, वाई इक्वल टू क्या बचा, ओनली थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, एक्स इक्वल टू क्या माना था, सेक थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। तो आंसर आ गया वाई इज इक्वल टू थीटा की जगह सेक इनवर्स एक्स। क्लियर है, ठीक है ना, अब ये इस तरीके से अपन कर सकते। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। मैं लिख देता हूँ क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, तो RHS ले लो, दोनों तरीके अपने पास, RHS से LHS भी जा सकते हैं, LHS से RHS भी जा सकते हैं, ठीक है ना। RHS ले लेते हैं अपन, तो RHS क्या अपने पास, RHS इक्वल टू है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बोलो अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब क्या करना है, x की जगह कुछ पुट करना है, तो देखो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला, किसका, tan 3 थीटा का। ये अंदर देखा जाए तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, अगर x की जगह tan थीटा पुट कर दो, x की जगह tan थीटा पुट कर दो, अगर x की जगह tan थीटा पुट कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा। तो मैं पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा मतलब भविष्य के सपने क्या बनेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। चलो पुट तो करें पहले, भविष्य बाद में आएगा, tan इनवर्स क्या बन गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल है, x की जगह वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं।
टेन थ्री टेन थीटा माइनस एक्स का क्यूब मतलब टेन क्यूब थीटा, और वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा, टेन थ्री थीटा का किसका होता है। तो भैया अपने पास आ गया, अपने पास क्या आ गया, टेन इनवर्स। तो y इज इक्वल टू सब मतलब अपने आर एच एस इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स, और अंदर क्या आ गया टेन थ्री थीटा। बोलो आ गया कि नहीं आया, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, टेन इनवर्स से टेन हट गया, केवल क्या बचा बेटा थ्री थीटा। बोले तो थ्री और थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स x, थ्री टेन इनवर्स x आ गया। क्लियर है ना, थ्री टेन इनवर्स x। अब देखो बेटा, क्या थ्री टेन इनवर्स x को मैं टू टेन इनवर्स x, दो बार टेन इनवर्स x और एक बार टेन इनवर्स x नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। थ्री टेन इनवर्स x को मैं क्या टू टेन इनवर्स x अपॉन टेन, टू टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x नहीं लिख सकता? और टू टेन इनवर्स x का डायरेक्टली फार्मूला अपन रट रखा है, टेन के डबल एंगल को टेन के सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करने का फार्मूला, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स x। ये टू टेन इनवर्स x का डायरेक्टली फार्मूला होता है। तो लेके चले थे आर एच एस और आ क्या चुका है एल एच एस, तो हैंड्स प्रूव्ड, यही तो करना था प्रूव। देखो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ टू टेन इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने प्रूफ कराया था क्लास में आपको। तो ये उसका फॉर्मूला है, टू टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये टू टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली। ओके चलिए, यदि भूल गया होगा मैं फॉर्मूला भी बनाना सिखा देता हूँ कैसे बनता है। हम जानते हैं टेन टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है टेन टू थीटा का फॉर्मूला। ये कब पढ़ा है, सीधी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है फॉर्मूला, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेट टेन ऑफ थीटा इक्वल टू एक्स ले लो, थीटा इक्वल टू क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स। सो टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा की जगह एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का स्क्वायर। तो टू थीटा टेन उधर उछल के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आया। तो टू की जगह टू है, थीटा की जगह वैल्यू रख दो टेन थीटा इक्वल टू एक्स, थीटा क्या है टेन इनवर्स एक्स। तो टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये है आंसर आपका, समझ में आ गया। टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, एक्सरसाइज 2.2 का एक्सरसाइज चल रही है भैया, 2.2 क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है टेन इनवर्स टू अपॉन इलेवन प्लस प्लस टेन इनवर्स सेवन बाई ट्वेंटी फोर, ये लेकर के आना है, प्रूफ करके आना है कि इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई टू, इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई टू प्रूफ करना है, समझ में आया। तो भाई बहुत ही सिंपल है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाना है अपन को। बट आपको मैंने बताया था कि टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला तब लगता है, वो ये वाला फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। बट बताया था मैंने एक्स वाई लेस देन वन होना चाहिए, वन से छोटा। तो एक्स ये है वाई ये है, जरा चेक कर लो एक बार, वैसे वैसे ही दिख रहा, वन से छोटा है ना, दो बटे इलेवन और सात बटे चौबीस, भाई सात दिख रहा है ऊपर आएगा चौदह और नीचे कितना आएगा दो चार और बीच में सन 264, समझ गए ना। तो चौदह बटे 264 डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब ये तो वन से छोटा ही आएगा ना, मतलब फार्मूला बड़े शौक से लग जाएगा, बड़े प्यार से लगेगा इत्मीनान के साथ। तो टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, तो ए कितना भाई टू बाई इलेवन, बी कितना है सेवन बाई ट्वेंटी फोर, और वन माइनस टू बाई इलेवन इंटू सेवन बाई ट्वेंटी। अब रही बात एलसीएम की, तो बनता है तो कर लो भाई एलसीएम, एलसीएम करके आंसर निकाल लेना, समझ में ना, गलती होगी तो एलसीएम की होगी और कोई नहीं होगी। चलो तो भैया थर्ड क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ठीक है कर लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं, मारो बेटा होमवर्क इसमें थर्ड वाले में आपका काम एच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन जी, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, टू टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन इक्वल टू लेकर के आना है टेन इनवर्स थर्टी वन अपॉन सेवनटीन। देखो टेन टेन से टेन में ही जा रहा है, मगर राह करोड़ा कौन है ये, क्योंकि टू है, तो मैंने बोला था टेन का डबल एंगल है, इसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करने का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो भाई ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, टेन इनवर्स टू एक्स, टू यानी वन बाई टू
अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी वन बाई टू का होल स्क्वायर बोलो तो वन बाई फोर, वन बाई टू का होल स्क्वायर वन बाई फोर, और ये हो जाएगा कितना टेन इनवर्स वन बाई सेवन। अब तो सॉल्व कर लोगे, टेन इनवर्स टू बाई टू मतलब कि वन अपॉन वन बाई फोर बोले तो थ्री बाई फोर है ना, पल्टी मार के फोर बाई थ्री बन जाएगा ले देखिए है ना, और प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन। अब लगा दो फॉर्मूला टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी वाला, कोई दिक्कत ठीक है ना। तो चलो दूसरा भी हो गया अपना, दूसरा भी कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं अगले क्वेश्चन से, सब्स्टिट्यूशन आने चाहिए आपको। टेन इनवर्स क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन कितना एक्स। बेटा एक्स की जगह क्या पुट करोगे, अभी मैंने बताया था एक्स इक्वल टू सेक थीटा, एक्स इक्वल टू सेक थीटा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स है ना अंडर रूट, लिखना अभी पड़ेगा वन प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना वन अपॉन कितना सेक थीटा, कितना होगा सेक थीटा, क्योंकि एक्स की जगह सेक थीटा पुट किया है, लिखना पड़ेगा पुट एक्स इक्वल टू सेक थीटा, यानी भविष्य में क्या यूज होगा थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, बोलो यस कि नहीं, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो बेटा ये कितना आ गया टेन इनवर्स, वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है टेन थीटा, माइनस वन अपॉन कितना हो गया बेटा सेक थीटा, समझ में आया कि नहीं आया। तो टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस वन, देखो साइन अपॉन कॉस साइन थीटा है ना अपॉन क्या कॉस थीटा माइनस कितना वन अपॉन सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ वन बाई कॉस, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करो साइन और कॉस का एलसीएम आएगा साइन थीटा माइनस क्या कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे वन बाई कितना कॉस थीटा, बोलो यस हाँ। तो कैंसिल तो हो रहा है टेन थीटा माइनस वन कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आया टेन इनवर्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कुछ गड़बड़ हो रही है, एक्स की वैल्यू सेक थीटा पुट करी ना अपन ने वन बाई कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस ठीक तो कर रहे हैं, फिर क्या होना चाहिए चेक करो जरा। हाँ भैया गलती कहाँ पे हुई है, ये आइए अपन ने सब्स्टिट्यूशन ही गलत किया है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन नाम का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, ओहो तो गलत हो गया है बिल्कुल, सब्स्टिट्यूशन गलत है ना। देखिए फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अगर होता तो बनता टेन स्क्वायर थीटा, और अपन ने सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन को बना दिया टेन स्क्वायर थीटा, तो बिल्कुल यहाँ पे गलती हो चुकी है। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट होगा, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो डोंट वरी बच्चों मैं फिर से कर रहा हूँ, फिफ्थ नंबर टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, तो पुट किया अपन ने एक्स इक्वल टू कितना टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों टेन इनवर्स एक्स, तो क्या होगा टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह टेन थीटा माइनस वन अपॉन कितना हो गया टेन थीटा, बोलो अब तो क्लियर है ना। टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, टेन इनवर्स भाई सेक को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन, और टेन का मतलब क्या होता है फिर से साइन अपॉन कॉस, क्लियर हुआ। तो टेन इनवर्स इसको एलसीएम ले लो क्या आएगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसिल हुआ, और आपके पास क्या बचेगा आपके पास बचेगा टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो क्या बचा हमारे पास y इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलेवेंथ क्लास में खूब किया सिंप्लीफाई हाफ एंगल फार्मूले से, वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, याद नहीं तो याद कर लो, वन माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है टू साइन थीटा बाई टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन थीटा का क्या होता है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, से टू दो साइन है ऊपर एक साइन नीचे, तो एक से एक साइन कैंसिल, ऊपर बचा एक साइन नीचे बचा एक कॉस, तो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या बच गया ऊपर साइन थीटा बाई टू, क्या बच गया नीचे कॉस थीटा बाई टू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स
क्या हो जाएगा, 10 थीटा बाई 2, 10 इनवर्स से 10 क्या कैंसिल हो गया, तो वाई इज इक्वल टू ओनली क्या बच गया, थीटा बाई 2, तो वाई इज इक्वल टू थीटा बाई टू, दैट इज इक्वल टू 1, हाँ तो वाई इज इक्वल टू 1/2 अलग कर लो, थीटा क्या था, थीटा अपन ने क्या लिया था, 10 थीटा इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 10 थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 10 इनवर्स x, तो आंसर आ गया y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 10 इनवर्स x, यही आंसर है, समझ में आया।